आज हम देखेंगे कि टीसीपी कंजेशन कंट्रोल किस तरह करता है और इसके क्या क्या तरीके हैं। दो तरीके होते हैं, एक तरीका है AIMD, दैट इज एडिटिव इंक्रीज एंड मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज। ठीक है, तो पहले ये तरीका देखते हैं, ये किस तरह काम करता है, किस तरह ये कंजेशन को कम करता है। और ठीक है, तो हमें 50 पैकेट एक साथ 50 पैकेट भेजने हैं। ठीक है, और हर पैकेट का राउंड ट्रिप टाइम कितना है, 100 मिली सेकेंड्स। पैकेट साइज कितना है, 1 किलोबाइट। ठीक है, तो हमें पैकेट भेजना शुरू करने हैं। सबसे पहले राउंड ट्रिप टाइम का एक कॉलम बनेगा और एक बनेगा किस सीक्वेंस नंबर से हम भेज रहे हैं 50 के 50 पैकेट। पहले राउंड ट्रिप टाइम पे ये एल्गोरिथम क्या करता है, एक भेजता है, दूसरे में एक और इंक्रीज कर देता है, मतलब 2 और 3 भेज देता है। ठीक है, जब तक लॉस नहीं आता तब तक की कहानी अभी चल रही है। फिर तीसरे में 4, 5 और 6 ये भेज देगा। ठीक है, उसके बाद 3 राउंड ट्रिप टाइम होगा, चौथे राउंड ट्रिप टाइम में ही भेजेगा 7, 8, 9 और 10। लेकिन 10th वाला पैकेट जो है वो लॉस हो गया। अभी क्या करेगा, अब ये जितना इसने विंडो साइज भेजा हुआ है उसके आधे से शुरू करेगा। दैट इज, अभी इसने 10 भेजा हुआ है, ये 2 से शुरू, अभी इसने 4 भेजा हुआ है, ये 2 से शुरू करेगा, आधा ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब 5th में ये 10th 11 भेजेगा सिर्फ, 6th में दोबारा से एक इंक्रीज 12, 13 एंड देन 14। उसके बाद 7th में 15, 16, 17, 18, फिर 8th में 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, उसके बाद 9th में 24 एंड देन 25, 26, 27, 28, 29। लेकिन पैकेट 25th जो था वो लॉस हो गया। अब क्या होगा, 6 पैकेट्स उसने भेजे हुए थे, सही है, अब वो कितने भेजेगा, इसके आधे, दैट इज़ अगली बारी में 3, 25th जहाँ से लॉस हुआ है, 26th, 27th, 11th में 28, 29, 30, 31, 12th में 32, 33, 34, 35, 36, लेकिन 34th लॉस हो गया। अब क्या होगा, कितने भेजे थे इसने, 5, इसके आधा कितना होगा, 2.5, लेकिन ये राउंड कर देगा, दैट इज 2 पर। अब ये 2 पैकेट से दोबारा शुरू करेगा, 34, 35, then 36, 37, 38, then 39, 40, 41, 42, then 16th पे 43, 44, 45, 46, 47, लेकिन 45th वाला फिर लॉस हो गया। अब क्या होगा, कितने हैं, 5 हैं, कितने से शुरू करेगा दोबारा ये भेजना, 2 से, 45, 46, 47, 48, 49, 18 राउंड ट्रिप टाइम में, और 19th राउंड ट्रिप टाइम में भेजेगा 50, 50 के 50 पैकेट्स चले गए। ठीक है, अब क्या होगा, राउंड ट्रिप टाइम कितने लगे, 19, 50 के 50 पैकेट्स चले गए। अच्छा, अब फार्मूला कुछ ये होता है इसका, दैट इज नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अगर पैकेट किलोबिट में है, मेगाबाइट, मेगा किलोबाइट, मेगाबाइट जिसमें भी है उससे बाइट्स में पहले लाना होगा, 1024 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि पैकेट का साइज किलोबाइट्स में है। देन अब ये किस में आ गया, बाइट्स में आ गया, देन बाइट्स के बाद किस में लाना है, बिट्स, 8 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय क्या, राउंड ट्रिप टाइम कितना है, 100, मल्टीप्लाई बाय कितना राउंड ट्रिप टाइम लगा, 19। अच्छा, 100 क्या है, मिली सेकेंड्स है, इसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स कितने थे, 50 थे, 50 डाल दिया, तो इस पूरे को सॉल्व करके एक आंसर आ जाएगा, वो आंसर क्या होगा, बिट्स पर सेकेंड। ठीक है,
तो इस तरह एडिटिव इंक्रीज काम करता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि स्लो स्टार्ट किस तरह काम करता है इस पर। ठीक है, सेम वही सिनेरियो है, 50 पैकेट्स हैं, राउंड ट्रिप टाइम 100 मिलीसेकंड्स का है, पैकेट साइज 1 किलोबाइट का है और वही सेम पैकेट्स लॉस होंगे अभी इसमें भी। ठीक है, तो ये किस तरह काम करता है भी देखते हैं। पहले राउंड ट्रिप टाइप पे इसने एक भेजा, ठीक है, लेकिन दूसरे राउंड ट्रिप टाइप पे क्या करता है, उसका डबल भेजेगा। दैट इज 1 का डबल कितना है, 2, मतलब 2 पैकेट्स इसने भेज दिए। तीसरे राउंड ट्रिप टाइप क्या करेगा, ये 4 भेजेगा। एडिटिव इंक्रीज की तरह नहीं है, एक और नहीं बढ़ाएगा, ये डबल डबल बढ़ाएगा। तो इसने 4, 5, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, फोर्थ में अब 8 भेजेगा, 4 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, लेकिन लॉस आ गया, पैकेट 10 लॉस हो गया। अब क्या होगा, अब जो भी साइज़ है कॉन्जेशन विंडो का, ये कॉन्जेशन विंडो है, हर एक जैसे अभी 4 थी, अब 8 हो गई, कॉन्जेशन विंडो का जो भी साइज है, कॉन्जेशन थ्रेशोल्ड का साइज उससे आधा होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये आपको आगे समझ में आएगा इसका मतलब। अब वो पांचवी बारी में क्या करेगा, दोबारा स्टार्ट, स्लो स्टार्ट है, दोबारा स्टार्ट 1 से ही करेगा, सिर्फ 1 भेजेगा। फिर 6th में 11th और 12th भेजेगा, डबल हो गया, और फिर 7th में फिर डबल हो गया, 13, 14, 15, 16। 8th में अब ये डबल नहीं होगा, कॉन्जेशन थ्रेशोल्ड कितने का था, 4, 4 तक ये डबल डबल होगा, जैसे भी 4 तक पहुंच सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, लेकिन उसके बाद इसको एडिटिव इंक्रीज की तरह ही काम करना होगा। 17, 18, 19, 20 और एक बढ़ेगा 21। देन 9th बारी में, 9th राउंड ट्रिप टाइम में 22, 23, 24, 25, 26, 27 क्या हुआ, 25th पे दोबारा से पैकेट लॉस हो गया। क्या साइज था कॉन्जेशन विंडो का, 6। थ्रेशोल्ड का साइज क्या होगा, 3, दोबारा स्टार्ट 1 से ही होगा, दैट इज 25 पहले गया, देन 26, 27। अच्छा, अब इसका डबल क्या होगा, 4, लेकिन थ्रेशोल्ड साइज क्या है, 3, तो ये डबल नहीं होगा, 3 पे इसको रुकना पड़ेगा, 28, 29, 30, 13 पे 31, 32, 33, 34 लॉस। कॉन्जेशन विंडो का साइज क्या था, अब 4। थ्रेशोल्ड का साइज क्या होगा, 2, इसका आधा, थ्रेशोल्ड विंडो का साइज, कॉन्जेशन थ्रेशोल्ड का साइज इसका आधा हो गया, ठीक है। अब 14th में क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट 1 से, 1 भेजा 34, 15th में इसने भेजा 35, 36, 16th में इसने भेजा 37, 38, 39, 17th में इसने भेजा 40, 41, 42, 43, 18th में इसने भेजा 44, 45, 46, 47, 48, लेकिन 45 पे फिर पैकेट लॉस हो गया, 45 पे फिर लॉस हो गया पैकेट। अब क्या होगा, क्या साइज़ था इसका, 5, विंडो साइज, थ्रेशोल्ड साइज़ क्या हो जाएगा इसका, आधा, 2.5, मतलब 2 हो जाएगा, दोबारा थ्रेशोल्ड साइज 2 हो गया। चल 19 कौन सा भेजेगा, 45 भेजा, 2 मतलब इसका डबल हो जाएगा, 20 पे 46, 47 भेज दिया, अब ये डबल नहीं हो सकता, थ्रेशोल्ड साइज 2 है, अब एक ही खाली इंक्रीज होगा, 21 पे 48, 49 और 50, सारे पैकेट्स चलेगा, ठीक है। फर्क क्या पड़ा देखते हैं, इसका फॉर्मूला वही सेम है जो उसका था, नंबर ऑफ पैकेट्स मल्टीप्लाई बाय, अगर किलो बाइट्स, मेगा बाइट, जिसमें भी है उसको बाइट्स में पहले चेंज होगा, बाइट्स से देन बिट्स में चेंज होगा, डिवाइडेड बाय राउंड ट्रिप टाइम जो कि इस केस में 21 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय राउंड ट्रिप टाइम, मिली सेकंड्स में कितना दिया हुआ था, 100/100 दिया हुआ था, सेकंड्स में कन्वर्ट किया 1000। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, कोई एक आंसर आएगा जो होगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, इस ये हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन राउंड ट्रिप टाइम एडिटिव इंक्रीज का
कितना था 19, इसका कितना है 21, तो साफ पता चल रहा है कि जो थ्रेशोल्ड हमारा निकलेगा वो क्या होगा, इसमें कम बिट्स जा रहे होंगे पर सेकंड और उसमें ज़्यादा जाएंगे, तो इस तरह स्लो स्टार्ट अच्छा नहीं है इस केस में, अगर हमें जैसे 50 पैकेट भेजें इस केस में अच्छा नहीं है। तो इस तरह से दोनों एल्गोरिथम्स हो गए, इस तरह TCP अपना काम करता है। होपफुली आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ गया होगा इससे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।